6.8 और 6.9 का टॉपिक है और वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन की और ये ऐसी टेक्निक है कि कितने सवाल बाकी किसी टेक्निक से नहीं हो सकते, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो, पावर रूल हो, सब्स्टिट्यूशन हो, वो इस वाली टेक्निक से हो जाते हैं। इतने मुश्किल मुश्किल फंक्शन जो आप बाकी टेक्निक से कर ही नहीं सकते, वो आप पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब सवाल ये कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन मौजूद है तो आप क्या करते हो, आप उस फ्रैक्शन को छोटी फ्रैक्शंस के सम में ब्रेक कर देते हो। जैसे अगर आपके पास एक फ्रैक्शन लिखी भी है, साइन में भी मैं गलत कर दूँ इसके अंदर, लेकिन मैं आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इसको छोटी फ्रैक्शन के सम में लिखना चाह रहे हो तो आई गेस ये होगा, साइन की गलती हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी में निकाल रहा हूँ तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, -1/2x+1। अब ये एक बड़ी फ्रैक्शन थी, बड़ी फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखो तो वो एक क्वाड्रेटिक था। अब अगर ऐसे आपके पास हो तो आपके लिए मुश्किल है इसको कोई रूल लगाना, फॉर्मूला लग सकता है इसके ऊपर, लेकिन ये मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल दी है। कितनी ऐसी मुश्किल एग्जांपल होती हैं जिसमें आप बाकी टेक्निक नहीं लगा सकते। तो आप क्या करते हो, उसको छोटी छोटी फ्रैक्शंस में ब्रेक करते हो, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करने के बजाय आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि ये वाली चीज़ बराबर है इसके। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और इनको इंटीग्रेट करना बड़ा ईजी होता है हमारे लिए, हम डायरेक्ट इन पर एलन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक आपको हेल्प ये करती है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई क्यूबिक है या कोई क्वाड्रेटिक है और न्यूमेरेटर में भी कुछ मुश्किल से लिखी हुई है और आपको नहीं पता कि आप इस पर क्या कर सकते हो, तो आप जस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस में उनको ब्रेक करो, उसके बाद उनको इंटीग्रेट करो, तो आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने दो प्रोसेस देखें, इंटीग्रेशन करने से पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, पहले एक फ्रैक्शन को आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ोगे उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट करोगे। तो अब इसका मतलब दो प्रोसेस आपको सीखने पड़ेंगे कि आपने तोड़ना किस तरीके से, किस तरह फ्रैक्शन को ब्रेक करोगे पार्शियल फ्रैक्शंस में, और उसके बाद आप ये सीखोगे आपने किस तरीके से उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का प्रोसेस तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट एलन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन जो ब्रेक करने का प्रोसेस है जिसको आप डिकम्पोजिशन कहते हो, डिकम्पोजिशन इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस, वो करना थोड़ा मुश्किल है। अब अगर आप अपनी 6.8 को देखो तो उसका टॉपिक है कि बस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, और 6.9 का टॉपिक है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेट भी करना है, तो हम 6.9 को फॉलो करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के केस वन ही आता है, इसके टोटल 4 केसेस होते हैं, मैं चारों केसेस बता दूंगा कि कब आप यूज़ करते हो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके पास केस वन ही आता है, और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लाजमी केस वन ही आएगा, क्योंकि बाकी जो केस हैं उनको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल काम है जो कि MCQs में पॉसिबल नहीं है। लेकिन MCQs में इतना आ सकता है कि वो आपसे पूछ लेंगे, मैं चलो केस करवाता हूँ उसके बाद आप लोगों को थोड़ी बात समझ आएगी, वरना अभी बस हवा में बातें हो रही हैं सारी। सबसे पहले आपकी बात जहन में होनी चाहिए कि दो किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शंस, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अगर आप नंबर सिस्टम में बात करो, डेसिमल्स में अगर आपकी फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं, कोई इंटीजर्स में लिखी हुई हैं फ्रैक्शंस, तो उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर बताना बड़ा ईजी होता है कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर हो जाएगी, अगर न्यूमरेटर छोटा है, कोई छोटा नंबर लिखा हुआ है उसमें डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो उसको आप प्रॉपर बोल दोगे। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो रैशनल फ्रैक्शंस की बात करेंगे। रैशनल फ्रैक्शंस वो होती हैं कि जिसमें ऊपर भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो अब पॉलिनोमियल में ग्रेटर स्मॉलर क्या होगा, तो पॉलिनोमियल में आप डिग्री देखते हो, अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर है तो फिर आप इम्प्रॉपर बोल दोगे, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो फिर आप उसको प्रॉपर बोल दोगे। तो याद रखना, जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको ही आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, जो इम्प्रॉपर होती हैं उनको आप रिजॉल्व नहीं करते, पहले उसको आप डिवाइड करते हो, लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद आप फिर पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक लगाते हो। तो जितनी भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन की, जैसे अगर लिखी हुई है आपके पास 2+3x/(x²+1), ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रॉपर बोलोगे। तो जितनी भी प्रॉपर हैं उन्हीं को आप पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। अब दूसरा सवाल है कि किस तरीके से करोगे, उसके लिए 4 केसेस बने हुए हैं। सबसे पहला केस क्या है, ज़रा उसको समझ लो।
इन केसेस की वर्डिंग्स भी होती हैं, स्टेटमेंट्स भी होती हैं, वो मैं लिखवा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट आपको बस समझा रहा हूँ कि आप कंसीडर कर लो आपके पास एक फ्रैक्शन मौजूद है, डिनोमिनेटर में है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। इसकी स्टेटमेंट ये होती है कि वेन यू हैव, अच्छा न्यूमरेटर में ज़रूरी नहीं है कि वन हो, बस शर्त यह है कि न्यूमरेटर में वो वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए पूरी फ्रैक्शन, ऊपर वन है या कुछ और लिखा हुआ है वो मैटर नहीं करता, बस आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर है तो मेथड वर्क करेगा। जनरल फॉर्म में वन लिखवा दिया जाता है कि चलो आसानी हो जाएगी बच्चों को समझने में। केस वन ये कहता है कि आपके पास डिनोमिनेटर सबसे पहले फैक्टर की फॉर्म में होना चाहिए। फैक्टर की फॉर्म वही है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना और कॉमन लेते थे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, फिर दोनों को इक्वल टू जीरो रखते थे, तो ये वाली फॉर्म जो होती है इसको आप फैक्टर कहते हो कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपने इनको फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। केस वन में सिर्फ नंबर्स होंगे, यार नंबर्स किसी में भी नहीं होंगे, नंबर्स का तो सीन ही नहीं है ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल्स हैं, नंबर्स है ही नहीं यहाँ पे। अगर आप इसकी बात करो तो जरूरी नहीं कि वन हो मेरे भाई, मैंने जनरल फॉर्म में वैसे ही लिखा है क्योंकि जनरल फॉर्म की जब मैं बात करूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ऊपर ए एक्स लिख दो भाई, कुछ भी लिख दो, खाली एक्स लिख दो, कुछ भी हो सकता है ऊपर। अगर आपको ज़्यादा मतलब इसको क्लियर होना है तो आप अपनी बुक खोलो, 6.9 के शुरू के 3-4 क्वेश्चंस देख लो, आपको समझ आ जाएगी ऊपर जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कम होगी, नीचे जो है उसकी ग्रेटर होगी। आसानी के लिए यहाँ पे वन लिखवाया हुआ है और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा आपने डिनोमिनेटर देखना है, सबसे पहले आपने रियलाइज़ करना है, सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपकी फ्रैक्शन प्रॉपर है। जैसे ही आपको पता चल गया वो प्रॉपर है, अब भूल जाओ न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर पे आ जाओ। डिनोमिनेटर को आपने फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप देखो ये दोनों फैक्टर लीनियर हैं, लीनियर का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की पावर वन होती है, इसमें वेरिएबल की पावर वन है, इसमें भी वेरिएबल की पावर वन है, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन केस वन ये कहता है कि अगर तीन है या चार है या दो है तो वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये ax प्लस बी है तो ये cx प्लस डी है, ये दोनों आपस में डिफरेंट है, ये सेम नहीं है आपस में। तो केस वन कहता है कि वेन यू हैव लीनियर फैक्टर, और जो एक लीनियर फैक्टर है वो एक ही दफ़ा आ रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप इनको ब्रेक किस तरह करोगे, आप लिखोगे, मैं एग्जाम्पल भी साथ देता हूँ, साथ साथ वो भी चलती जाती है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लेट कर लो 2x अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस वन। अगर आप देखो तो ये एक बड़ी मैंने इजी दे दी है, ये तो आप आसानी से वो सॉल्व भी कर सकते हो, थोड़ा मुश्किल कर देते हैं इसको, ये भी शायद इजी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल अभी देख लो, बताना मैं क्या चाह रहा हूँ कि लीनियर फैक्टर है दोनों, ठीक है, और रिपीट नहीं हो रहा, ये x माइनस वन ये x प्लस वन दोनों डिफरेंट है आपस में, तो आप किस तरह ब्रेक करोगे। फॉर्मूला कहता है कि आप लिखोगे a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, बस। और ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ये तो आपने की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अभी तक तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए थी, 6.9 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, अगर छोड़ेगा तो बेवकूफ़ होगा, तो ये बातें तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए पहले से। मैं ख्याल में मैं बहुत डिटेल में चला गया उनकी, तो आपके पास दो फैक्टर थे, आपने ए लिखा डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर प्लस बी लिखा डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर, अगर यहाँ पे तीसरा फैक्टर भी होता तो आप लिखते प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर। उसके बाद हम क्या करते थे, हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालते थे। अब वो कैसे निकालते थे वो आप अपने सवाल में देख लेना, मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा जिसमें आपको मसला नहीं होगा, जो मेथड है जो आप एग्जाम में करोगे वो आपने किया हुआ होगा, ये ट्रिक एग्जाम में नहीं कर देना, ये ट्रिक प्योरली एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्म में देखो तो किस तरह ब्रेक करोगे, आप लिखोगे ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर, दैट्स इट। अब आपका क्या मकसद होगा, आपने ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी वैल्यूज को साइड पर रखो, अभी हम केस समझ रहे हैं कि केस क्या है ये। तो पहला केस ये था कि जब लीनियर फैक्टर आ रहे हैं और डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहे, तो आप इस तरीके से उनको ब्रेक करोगे। केस टू ये कहता है कि जब लीनियर फैक्टर आ जाए लेकिन वो रिपीट हो जाए, कहने का मतलब लेट कर लो इस फॉर्म में लिखे मैं ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या, अच्छा है लीनियर फैक्टर, अगर आप देखो तो इसकी पावर क्या है, वन है लीनियर फैक्टर, लेकिन दो दफा आ रहा है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर को आप इस तरह लिख दो, ए एक्स प्लस बी एक ही बात है, तो ये फैक्टर जो है ये दो दफा आ रहा है, मतलब लीनियर फैक्टर तो है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो जब लीनियर फैक्टर रिपीट होगा तो आप ये काम करोगे, सबसे पहला आप पहली दफ़ा लिखोगे उस फैक्टर को,
और फैक्टर की पावर 1 होगी, प्लस दूसरी दफा उस फैक्टर की पावर 2 हो जाएगी। अगर सवाल में पावर 2 लिखी हुई है तो आपने पावर 2 तक जाना है। लेट कर लो अगर इसकी पावर 3 होती, मतलब ये चीज कितनी दफा आ रही है, 3 दफा आ रही है, तो आप लिखते a अपॉन ax प्लस b की पावर 1 प्लस b अपॉन ax प्लस b की पावर स्क्वायर प्लस c अपॉन ax प्लस b की पावर क्यूब। जितनी इधर पावर आ रही होगी ना, उतनी दफा आपको वो लिखना पड़ेगा। पहले आप 1 लिखोगे, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, अप टू जितनी पावर है वहां तक आप जाओगे। तो ये केस कहता है कि जब लीनियर फैक्टर रिपीट हो तो आप इस तरीके से उनको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करोगे। काइंड ऑफ एग्जांपल मैंने दे ही दी है इसकी, मैं एक और दे देता हूँ आपको। लेट कर लो आपके पास लिखा हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे ये पावर रूल से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप लिखोगे ए अपॉन एक्स प्लस 1, फिर आप लिखोगे बी अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अच्छा, आएगा सवाल केस 1 का ही आपके बोर्ड एग्जाम में भी, क्योंकि ये सवाल आते हैं 4-5 नंबर के अंदर। तो 4-5 नंबर के अंदर जो केस 2, 3, 4 है ना, केस 2 के फिर क्वेश्चन एक दो इजी हैं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को करवाए हैं, वो केस 2 के शुरू के एक दो क्वेश्चन ईजी हैं थोड़े, लेकिन केस 3, 4 तो बहुत डिफिकल्ट है, और केस 2 के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो 5 नंबर के अंदर उनकी सेंस नहीं बनती कि वो आएंगे। केस 3 पे आ जाओ। अभी जो हम बात कर रहे थे वो लीनियर फैक्टर की बात कर रहे थे, अब फैक्टर चेंज हो गया है, अब बात होगी क्वाड्रेटिक फैक्टर की। व्हेन यू हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि रिपीट नहीं होगा, सेलेक्ट कर लो ax स्क्वायर a1 कर लेते हैं, पहला फैक्टर ये है, और दूसरा फैक्टर लेट कर लो a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2। ये मैंने फुल क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि उसके अंदर तीनों टर्म्स आएंगी। क्वाड्रेटिक फैक्टर का ताल्लुक इन तीन टर्म से नहीं होता, क्वाड्रेटिक फैक्टर का ताल्लुक इस स्क्वायर वाली टर्म से होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि मैक्सिमम पावर 2 है। अब ये वाली टर्म है तो आप इसको क्वाड्रेटिक बोलोगे, अब उसके साथ कांस्टेंट की टर्म हो या ना हो, या ये एक्स वाली टर्म हो या ना हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। क्वाड्रेटिक का ताल्लुक बस इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म से है। अगर ये मौजूद है, उसके साथ कोई कांस्टेंट है, या उसके साथ कोई एक्स है, या तीनों मौजूद हैं, तो प्रोसेस सबके लिए सेम ही रहेगा। और केस 3 कहता क्या है कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो अलग अलग होने चाहिए, मैंने अलग करने के लिए a1 a2 इस तरह कर दिए, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर और दोनों डिफरेंट हो तो आप किस तरह ब्रेक करोगे, आप ऊपर अब लिखोगे ax प्लस b, पहले आप लिखते थे ना खाली a, लेकिन जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आते हैं तो आप ऊपर ax प्लस b लिखते हो और नीचे पहला फैक्टर लिखोगे, फिर आप लिखोगे cx प्लस d दूसरा फैक्टर लिखोगे। तो जब अगर एनईडी में या किसी भी यूनिवर्सिटी का आप टेस्ट देने लगे हो, अगर ये केस 3 केस 4 के क्वेश्चन आए ना, तो वो बस इतने ही बोलेंगे। और केस 2 भी, केस 2 3 4 के क्वेश्चंस नॉर्मली नस्ट का सबसे मुश्किल टेस्ट होता है मैथमेटिक्स, उसमें भी इस तरह से आता है। वो आता क्या है कि वो जस्ट आपको बोलते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन में आप रिजॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकालने को भी नहीं बोलते, मतलब वो ये चीज आपको देंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वो आपको दे देंगे भाई इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है, ये चीज गिवन है, ये फ्रैक्शन देंगे आपको और बोलेंगे भाई इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करो, बस उसमें ए बी सी की वैल्यू भी नहीं निकालनी, बस आपको रिजॉल्व करना है। तो किस तरीके से रिजॉल्व करोगे, आप ये देखोगे डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में मौजूद है क्वाड्रेटिक फैक्टर, दोनों क्वाड्रेटिक हैं। अच्छा, मिक्स भी आ सकता है कि एक क्वाड्रेटिक हो एक लीनियर हो, वो भी मैं सवाल करवा दूंगा, तो दोनों क्वाड्रेटिक हैं। दूसरी बात, क्या वो रिपीट हो रहे हैं, नहीं रिपीट तो नहीं हो रहे, दोनों अलग अलग हैं। तो केस 3 का क्वेश्चन है, आप यहां पे लिखोगे ax प्लस बी डिवाइडेड बाय पहला फैक्टर प्लस, फिर आप लिखोगे cx प्लस डी डिवाइडेड बाय दूसरा फैक्टर, बस। MCQs में आए केस 2, 3, 4 के क्वेश्चन तो यही आएंगे, क्यों बोलेंगे भाई आप बस हमें रिजॉल्व करके दिखा दो, तो ये आपने रिजॉल्व कर दिया, ax प्लस बी पहला क्वाड्रेटिक फैक्टर, cx प्लस डी दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। और केस 4 आपको दिखने में लग रहा है कि जब क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा और वो रिपीट होगा, तो हम देख लेते हैं वो भी, क्या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका।
अब मैं एक ही क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख रहा हूँ और उसकी पावर मैंने स्क्वायर कर दी है कि जो फैक्टर है वो दो दफ़ा आ रहा है। अच्छा, जनरल फॉर्म में नॉर्मली आपको के नज़र आता है, वो जनरलाइज बात करते हैं, लेकिन जनरलाइज बात करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो केस समझाना चाह रहा हूँ आपको ऐसे भी समझ आ जाएगा कि जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है पावर टू का मतलब ये दो दफ़ा आ रहा है, अगर पावर थ्री होती तो इसका मतलब तीन दफ़ा आ रहा है। तो आपने वही काम करना है जो आपने केस टू के साथ किया था। क्वाड्रेटिक में आपको पता है ऊपर ए एक्स प्लस बी लिखते हो, तो ऊपर ए एक्स प्लस बी नहीं लिखना। फिर जब पहली दफा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप लिखोगे तो इसकी पावर वन कंसीडर करना, इसकी पावर वन कंसीडर कर ली। प्लस दूसरी दफा जब लिखोगे इसको तो आप इसकी पावर स्क्वायर कंसीडर कर लेना, बस जो यहां पे आपने किया था। यहां पे पावर क्यूब थी पहली दफा वन, फिर टू, फिर थ्री आपने पावर की थी। सेम काम यहां पे पावर टू है तो पहले आप वन लिखना फिर टू लिखना और ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम एक सवाल करेंगे केस वन का जो पेपर में आता है, उसकी मैं ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा। और अभी जो मैं करवाने लगा वो जस्ट ब्रेक करने का करवाने लगा, मतलब उसके अंदर मैं जो चारों केस है ना उनको बीच में डालने लगा ताकि आपका एक साथ एक एग्जांपल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और वो केस ये है कि ऐसा कभी जिंदगी में सवाल आया नहीं है वैसे और आएगा भी नहीं। ये करवाने का मकसद ये कि आपको सारे केसेस जो हैं वो समझ आ जाएं। ये चारों के चार केसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर आप देखो तो ये प्रॉपर है, डेफिनेटली एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अगर आप नीचे इन सब स्क्वायर्स को ओपन करोगे ना और सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मे बी एक्स की पावर 9 या 10 आ रही होगी। जैसे इस स्क्वायर को ओपन करो, इस स्क्वायर को ओपन करो, फिर इन चार ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक्स की पावर 9-10 कुछ आ रही होगी। तो डेफिनेटली प्रॉपर है क्योंकि ऊपर 3 पावर है और नीचे इतनी बड़ी पावर आ रही है। अब सवाल ये कि आपने ब्रेक किस तरह करना है जरा उसको देख लो। सबसे पहले अगर आप पहला फैक्टर देखो तो वो लीनियर है और वो एक ही दफा मौजूद है, वो रिपीट नहीं हो रहा, तो आप ऊपर लिखोगे ए और फैक्टर क्या है एक्स प्लस वन, वो एज इट इज कॉपी कर दोगे। फिर दूसरे फैक्टर को देखो वो लीनियर है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, पावर स्क्वायर मतलब वो दो दफा आ रहा है, तो आप लिखो b अपॉन x माइनस वन पहली दफा पावर वन, c अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर दूसरी दफा उसकी पावर स्क्वायर कर दो। अब आप तीसरे फैक्टर को देखो, क्वाड्रेटिक है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा, एक ही दफा आया, तो आप लिखो c लिख दिया ना डी एक्स प्लस ई और नीचे वो क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दो। अब इस पे आ जाओ, अब ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन ये कितनी दफा आ रहा है, दो दफा आ रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एफ एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाय पहली दफा लिखो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को, पहली दफा में उसकी पावर आप क्या रखोगे, वन रखोगे और दूसरी दफा उसकी पावर आप क्या रख दोगे, टू रख दोगे। बस ये चारों केसेस जो है ये मैंने आपको कंबाइन करवा दिए हैं, तो अगर आपके पास सवाल है रिजॉल्व करने का तो आप इसी तरीके से रिजॉल्व करोगे। कोई यहां तक सवाल है तो पूछ लो। अब मैं आप लोगों की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा, उसकी ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को मैं, और वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप देख लेना, आप लोगों के लिए बहुत लंबा है वो, अगर आप नॉर्मल तरीके से करोगे और एग्जाम में नॉर्मल तरीके से ही करना है भाई, खुदा का वास्ता ट्रिक करके नहीं आ जाना, पता चले मुझे आके बोलोगे सर गलत हो गया सवाल। ये सिर्फ MCQs में आप इस्तेमाल करना और आपको इजाज़त नहीं है इस्तेमाल करने की, लेकिन बहुत काम की ट्रिक है ये। आपको क्वेश्चन देख के आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इसका नॉर्मल सॉल्यूशन देखना, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, कम से कम 2 पेज का सॉल्यूशन है इसका, लेकिन इस ट्रिक के लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं कैलकुलेशन अच्छी तो फिर रफ वर्क में आप काम करके देख लेना। ये 6.9 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने बताया था ना शुरू में कि कितने सवाल हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक के बगैर नहीं हो सकते, तो अगर आप इस सवाल को देखो इस पे आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी नहीं, और पावर रूल और एलन वाला तो छोड़ ही दो, तो ये सवाल पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा नहीं हो सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन की, पार्शियल फ्रैक्शन।
बरह हम लिखेंगे इसका एक स्टेप के अंदर आंसर। अब कैसे लिखेंगे जरा उसको देख लो। एक सवाल में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, रिपीट नहीं करूंगा बात को, गौर से सुनना समझना इस बात को। सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर है, अच्छा ये केस वन का क्वेश्चन होना चाहिए, केस वन के ही आते हैं एग्जाम में, बाकी केस के मैंने बताया आपको जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना होता है। केस वन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वो बोलते हैं कि भाई आप इंटीग्रेट करके हमें आंसर बताओ, उसमें सिर्फ रिजॉल्व या ए बी सी डी की वैल्यू नहीं पूछते। ए बी सी डी की वैल्यू भी पूछ सकते हैं लेकिन ज्यादातर सवाल आता है वो कहते हैं कि भाई हमें इंटीग्रेट करके पूरा आंसर बताओ इसका। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आप आंसर कैसे बताओगे, वो वाली टेक्निक है ये। तो उसके लिए आपका डिनोमिनेटर जो है वो पूरा फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। ऑलरेडी कन्वर्ट है फैक्टर की फॉर्म में, बस अब सवाल स्टार्ट करो। सबसे पहले फैक्टर को आप रखो इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वन के बराबर। जब आप x माइनस वन को जीरो के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू वन आ जाएगी। इस फैक्टर के अलावा पूरी फ्रैक्शन के अंदर आपने x की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करना है। अब यहां से आपकी कैलकुलेशन है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो वरना आपको लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप यहां पे वन पुट करोगे थ्री हो जाएगा, ये माइनस ट्वेल्व ये इलेवन, तो थ्री माइनस ट्वेल्व माइनस नाइन, माइनस नाइन और प्लस इलेवन ये क्या हो जाएगा, टू के बराबर। अगर मैं कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना। इसी तरह नीचे आपने वन नहीं पुट करना, ठीक है, नीचे आप वन नहीं पुट करोगे इस वाले फैक्टर के अंदर जिसको आपने इक्वल टू जीरो रखा था, इसके अंदर पुट करो। वन माइनस टू क्या होगा, माइनस वन के बराबर। वन माइनस थ्री होगा माइनस टू के बराबर। माइनस वन इन टू माइनस टू पॉजिटिव टू, तो आंसर क्या आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है। तो जब आपने वो वैल्यू पूरे फैक्टर के अंदर पुट कर ली, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, उसको अपने पास लिख लो वन। उसके बाद आप लिखोगे ln, जिस भी फैक्टर को आपने रखा था ना इक्वल टू जीरो उसको लिख दो, दैट्स इट। ये समझ लो आपका इंटीग्रेशन का 33.33% सवाल हो गया। इसके तीन आंसर थे, मतलब तीन टर्म्स थी, आपने एक टर्म आसानी से मालूम कर लिया। अब यही काम आपने दो दफा और रिपीट करना है, तो दोबारा देख लो, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब आप दूसरे फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखो तो x की वैल्यू टू आ जाएगी। आप इस फैक्टर के अलावा, क्योंकि इसमें पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा ना, इस फैक्टर के अलावा पूरे फ्रैक्शन के अंदर टू पुट कर दो। टू का स्क्वायर फोर, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करो ट्वेल्व, यहां पे टू पुट करो माइनस ट्वेंटी फोर और ये प्लस इलेवन है, इसको सॉल्व करो माइनस वन आ रहा है। टू पुट करो टू माइनस वन, वन के बराबर। टू पुट करो टू माइनस थ्री, माइनस वन के बराबर, तो माइनस वन इन टू वन माइनस वन, तो अगेन आंसर क्या आ रहा है, वन के बराबर। अच्छा जरूरी नहीं कि हर केस में आंसर वन आएगा, इस सवाल के अंदर वन आ रहा है। तो दोबारा आप लिखो वन एल एन, जिस फैक्टर को इक्वल टू जीरो रखा था, ये काम करना है बस आपने। 66.66% आपका सवाल हो गया। अब एक आखिरी टर्म रह गया, अब आपको समझ आ गया होगा, x माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो रखो, x की वैल्यू थ्री आएगी। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन को थ्री से मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी सेवन, थ्री इंटू माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टी सिक्स और प्लस इलेवन अपनी, नहीं ये जीरो तो नहीं हो सकता, नहीं जीरो नहीं हो रहा, थर्टी एट हो रहा है ना, ट्वेंटी सेवन प्लस इलेवन ये हो जाएगा थर्टी एट, थर्टी एट माइनस थर्टी सिक्स टू के बराबर। और नीचे थ्री पुट करो, थ्री माइनस वन टू, थ्री माइनस टू वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करो टू, अगेन आंसर वन के बराबर आ रहा है। मैंने वही बात बोली, हर सवाल में वन नहीं आता, आप जो बाकी 6.9 के क्वेश्चंस हैं ना शुरू के उनको भी ट्राई करके देख लेना। तो वन लिखो ln, जो x माइनस थ्री है वो लिख दो, दैट्स इट, ये आपका इंटीग्रल का आंसर आ गया। तो एक स्टेप में आपने पूरी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दी है। वैसे अगर आप इसका तरीका देखो तो बहुत लंबा है, कम से कम दो पेजेस के अंदर तो आता है। अब ये सबसे मुश्किल सवाल है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज में इतने बड़े सवाल नहीं आते, एमसीक्यूज में जब आएंगे तो मे बी न्यूमरेटर काफी सिंप्लीफाइड हो कि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी हो। तो सबसे मुश्किल वाला मैंने सवाल करवा दी केस वन का, और वो आपने देख लिया, वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप पूरा प्रोसेस करो तो डेढ़ मिनट का मुश्किल से प्रोसेस होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा ये। तो बात क्लियर है यहां तक, केस वन के सवाल आपने इस तरीके से ही सॉल्व करने हैं। अब अगर इंटीग्रेट करने को ना आए, जस्ट आपको ये बोला जाए, मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं, एक तो ये था, दूसरा सवाल ये कि वो आपको इंटीग्रेट करने को ना बोले, वो आपको बोले कि ये फ्रैक्शन जो है ना इसको जस्ट रिजॉल्व कर दो, इंटीग्रेट ना करो, मतलब ए बी सी की वैल्यू भी निकाल लो। अगर आप अभी इसको रिजॉल्व करोगे तो आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस वन
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री, तो वो ए बी सी की वैल्यूज मालूम करने को बस बोल दिया जाए कि यार इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बस रिजॉल्व कर दो, इंटीग्रेट ना करो। तो वही काम कर रहे हैं, ये जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाली है ना, ये अपने जगह पे आप निकालना। जैसे लेट कर लो, आपने वही काम किया, एक्स माइनस वन को जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाली, पूरी फ्रैक्शन के अंदर पुट कर देना, तो आंसर आ रहा था वन। तो आप लिखना वन अपॉन जिसको रखा था ना आपने, उसको लिख देना बस। तो बाकी आपको समझ आ गया, ये भी आंसर वन आ रहा था, अगेन लिखना वन अपॉन नीचे क्या था x माइनस टू, अगेन वन अपॉन x माइनस थ्री। ठीक है, तो ये जो आप वैल्यूज निकालते हैं ए बी सी की वैल्यूज ही होती हैं, ये जो पहली वैल्यू आती है ये ए की वैल्यू होती है, दूसरी आती है बी की, तीसरी आती है सी की। तो आपने जब इसको रिजोल्व करोगे तो आप किस तरह रिजोल्व करोगे, आप लिखोगे थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस इलेवन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। तो रिजोल्व करोगे आप लिखोगे ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये जो पूरी फ्रैक्शन है ना, इसको आपने शॉर्टकट तरीके से ये रिजोल्व कर दिया, मतलब ए बी सी की वैल्यूज निकाली तो वो क्या आई है, ए बी सी की वैल्यू सारी वन वन के बराबर आई है। ठीक है, तो अगर जस्ट आपको ए बी सी की वैल्यूज दी जाए तो आपने ये काम करना है, जो कॉन्स्टेंट हम निकालते थे ना ये ए बी सी की वैल्यूज है, और अगर इंटीग्रेट करने को बोला जाए तो आप ए की वैल्यू लिखना, फिर एल एन लिखना जो पहला फैक्टर था उसको लिख देना, और सेम काम बाकियों के लिए भी आप रिपीट करना। दैट्स इट, 6.9 यही है, इतनी हमने करनी है। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो। इवन ये तो आपके बोर्ड एग्जाम के एमसीक्यूज में भी आ चुका है, मुझे बहुत हैरत हुई थी, अगर आप पास पेपर उठाओ आपको एक इस टाइप का सवाल मिल जाएगा, मैं शॉक हो गया था ये सवाल उन्हें दिया कैसे, ये एमसीक्यूज के लिए है नहीं वैसे, क्योंकि बच्चों को ट्रिक नहीं पता इसको, सवालों काफ़ी एक दो मिनट लग जाएंगे अगर आप वैसे सॉल्व करो ना मैनुअली, वो ए बी सी की वैल्यूज निकाल के जो आप सॉल्व करते थे, ये सवाल आया हुआ था। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, यही काम करोगे, आप पहले रिजॉल्व करोगे, फिर ए बी सी की वैल्यूज निकालोगे, फिर आप पुट करोगे, फिर आप इंटीग्रेट करोगे, तो सवाल अगर नॉर्मल तरीके से आप करो तो मुश्किल है, लेकिन अगर शॉर्टकट से करो फिर तो बच्चों वाला है ये, इसमें क्या मसला है। डी एक्स को इधर लिख दो आसानी के लिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, एक्स प्लस वन को इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू माइनस वन है, इस फैक्टर के अलावा पूरी फ्रैक्शन में माइनस वन पुट कर दो, एक ही चीज़ है ये, माइनस वन पुट करो, माइनस वन प्लस टू क्या होता है वन के बराबर, तो आप लिखो वन एल एन एक्स प्लस वन, फिर आप x प्लस टू को इक्वल टू जीरो रखो, x की वैल्यू माइनस टू आएगी, इस फैक्टर के अलावा पूरे में आप माइनस टू पुट कर दो, जब इसके अंदर माइनस टू पुट करोगे माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा ये, तो आपके पास माइनस वन आ गया एल एन एक्स प्लस टू, और आगे आप सी लगा दोगे। तो ये सवाल ट्रिक से तो काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से करो तो ये बड़ा सवाल था, लेकिन एक दफ़ा मैंने देख चुका हूँ कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो अगर एम सी क्यूज में आया तो ये ट्रिक आपके काफ़ी काम की आ जाएगी, और अगर सब्जेक्टिव में आया तो भाई फिर नॉर्मल तरीके से ही करना।